प्रदेश में बढ़ते स्कूल हादसों को लेकर सरकार संजीदगी से स्कूलों पर कई नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रयत्नशील है ताकि ऐसे हादसों को रोका जाए। इसी के तहत संयुक्त कार्यालय में आरटीओ कांगड़ा के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा खंड नूरपुर के तहत आते 50 से ज्यादा निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया। इस कार्यशाला में सभी स्कूलों को आरटीओ ने सख्ती से नियमों को लागू करने के आदेश दिए। इन नियमों में बसों में कैमरों का लगवाना, चालकों परिचालकों का प्रशिक्षित होना, स्कूल वाहनों में फर्स्ट एड के साथ और क्या क्या टूल्स रखने जरूरी है, इन सब का विस्तार से स्कूल प्रबंधकों को जानकारी दी गई। आरटीओ विशाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल बस हादसों को देखते हुए सरकार बहुत ही गंभीरता से स्कूल बसों में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने को लेकर कई गाइडलाइंस पर काम कर रही है, लेकिन कई स्कूलों को अभी तक इन गाइडलाइंस की अभी जानकारी नहीं है, जिसके तहत आज सभी को उन्हें लेकर जागरूक करने और उन पर अमल करने की हिदायत दी गई। विशाल शर्मा ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र में पिछले वर्ष बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसने प्रदेश के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसी से सबक लेते हुए उन्होंने जिला कांगड़ा के नूरपुर में ही इस अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल्स को 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिनों के बाद सभी स्कूलों की जांच विभाग द्वारा की जाएगी। अगर 15 दिन के भीतर यह सभी स्कूल्स इन नियमों की अनुपालना नहीं करते तो नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यशाला में आरटीओ विशाल शर्मा के साथ एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर और डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा भी उपस्थित रहे। रिसेंटली आपने देखा है कि स्कूल बसों के हादसे काफ़ी हो रहे थे और सरकार इसके विषय में बहुत गंभीर है और सरकार ने जो गाइडलाइंस हैं वो उसके लिए नोटिफाई कर दी हुई हैं। तो ये महसूस किया गया कि शायद स्कूलों को इन गाइडलाइंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इस विषय में आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जिसमें सब डिवीज़न के सारे स्कूलों को बुलाया गया और उनको गाइडलाइंस के बारे में विस्तार में जानकारी दी गई कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसके अलावा जो है हमने स्कूलों को 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो उनकी स्कूल बसों में कमियां हैं उनकी पूरी उनको पूरा करें और उसके बाद जो है सभी स्कूल बसों की 100% चेकिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा इंश्योर की जाएगी। इसी तरीके से ये क्योंकि मलकवाल वाला हादसा नूरपुर में हुआ था तो इसलिए हमने नूरपुर से इसकी शुरुआत की है और कैंपेन मोड में यही कार्यक्रम जो हैं वो हर एक सब डिवीज़न में ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे और ज़िला कांगड़ा के 100% स्कूलों को इसके बारे में अवेयर करवाया जाएगा और 100% स्कूलों की जो चेकिंग है वो की जाएगी।